गाइज मैं अभी फिर से रेडी हो चुकी हूँ और मैं आईब्रो करवा के आई हूँ। ये देखिए आईब्रो बनवा के आई हूँ, तो कल निकलना है हमें, और कहाँ निकलना है ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि अभी कुछ और सामान लेना, सुबह जो लेना था वो ले चुकी हूँ मैं, कुछ कुछ सामान और रह गया तो अभी और सामान लेना है। और मैंने बस इस टाइप से ये पहनी है ड्रेस, मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। ब्लैक सूट है सिंपल सा कुर्ते स्टाइल में, तो पीछे से भी ऐसा है, और तो बस मैं इस टाइप से रेडी हो चुकी हूँ। बस हम लोग निकल रहे हैं और आरब रेडी हो चुके हैं। आरब से हाय। केशु वहीं खड़ा है, सब तैयार है। मेरी स्लीपर निकाला और केशु पहले तैयार है बाहर जाने के लिए, तो उसके कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि वो वैसे भी गंदे कर रहे थे और अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका था। मैंने सोचा बस हल्की छूट ले रहे हैं घर के पास से, तो बस हम वहीं चलेगा। ऊपर फैन चल रहा था, उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। चलो तो चलो मेरे लिए खड़े हो। अरे पीछे बैठो प्लीज, कल आपको पीछे बैठना पड़ेगा, मुंह लटकाओ या कुछ करो। नहीं क्या होता है, वाह 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 वाह, मजा आ गया। हाँ मुझे भी तो पसंद है। सही कहा रहा? मैंने सुना ही नहीं आपने क्या कहा। अच्छा हाँ बोलो क्या कहा आपने। अगर आपको गर्मी लगे हाँ तो हाँ ठंडा ठंडा हाँ और ठंडे में जाएगी। और अगर ठंड लगेगी तो गर्म में जाइए, ये बोला मैंने। ओके इनको वहाँ तो आरब का ये टॉप सीक्रेट आ रहा है डैडी का। हाँ अच्छा, कुछ नहीं खड़े तो बैठ गए। कलरफुल तो दिख रहा है सब कुछ। लेकिन ये तो यही है, इनको तो यही है, टोन नहीं जाती है सर पर कितना भी रह लो। 40 साल हो गए मेरी माँ को, पर लैंग्वेज वही है। ये भारत ये देखना था।
आगे चलो आओ। कितना कौन सी वाली रेनबो आइसक्रीम रेनबो कोई आइसक्रीम आती है रेनबो 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 मैंगो नहीं रेनबो वाली रेनबो जिसमें मैंगो में दो तीन कलर होते हैं कलरफुल हो जो कलरफुल वाली नहीं आती वो है तो एक लगी है रेड और दो कलर की है वो रसगुल्ली मैंगो भी है उसमें मैंगो और स्ट्रॉबेरी चाहिए वो। अब अगर तुम शांति से नहीं बैठे ना तो मैं ही चली जाऊंगी समझ लेना आराम से। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और जो मुझे लेना था वो मैं ले चुकी हूँ और ये पीछे कपड़े जो फोल्ड करके रखे बाहर से उठा के वही बाहर ही फोल्ड करे थे तो इनको भी रखना है और मैंने बस आके बस बाल बांधे जस्ट अभी आई हूँ कुछ भी नहीं किया सिर्फ बाल ऊपर किए अब जाके कपड़े चेंज करूँगी। हाँ कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा स्टे ट्यून। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को जरूर पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और वो ब्लॉग ज़्यादा देर नहीं लगेगी ज़्यादा दिन नहीं लगेगी मतलब देर नहीं ज़्यादा दिन लगेगी कि किस काम से जा रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ वो सब आपको बताऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए करिए मैं देखती हूँ व्यूज़ बहुत आते हैं बट लाइक नहीं करता कोई तो अभी नया नया है तो टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में तो बस आप लोग का प्यार चाहिए साथ चाहिए ताकि मेरी फैमिली ऐसी दिन ब दिन बढ़ती जाए क्योंकि भगवान की कृपा से बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन ब दिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं कि हाँ नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो बस इसीलिए तब तक के लिए फिर मिलेंगे टाटा बाय बाय।